जय जय सदगुरु श्री शेषाद्री सदगुरु। पिछले अमावस्या के दौरान सदगुरु ने हमें पूर्णमासी के बाद के कृष्ण पक्ष अष्टमी में अष्ट भैरव हवन करने के लिए संदेश दिया है, जो एक विशेष एवं दुर्लभ हवन माना जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि ललिता महात्रिपुर सुंदरी के सन्निधि में हर रोज अष्ट भैरव पूजा की जा रही है। ये पूजा करीब 2005 से की जा रही है। अब ये संदेश आया है कि इस पूजा के साथ हर पूर्णमासी के बाद के कृष्ण पक्ष अष्टमी में अष्ट भैरव हवन की जाए। भैरव जी समय का नियंत्रक माने जाते हैं। उनके अंश ही अष्ट भैरव हैं। उनमें मुख्य भैरव जैसे असितांग भैरव, रूरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव एवं संहार भैरव माने जाते हैं। इस 19 तारीख को यानी कि 19 नवंबर 2019 के दिन जो कृष्ण पक्ष अष्टमी है, उस दिन से हर कृष्ण पक्ष अष्टमी में ये भैरव पूजा एवं हवन किया जाएगा। ये पूजा एवं हवन शाम के वक्त किया जाएगा। विशेष प्रसाद के रूप में 21 वड़ा जो माला के रूप में भैरव जी के फोटो में चढ़ा दिया जाएगा और उसके साथ दही चावल भी अर्पित किया जाएगा, फिर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। गुरुजी ने इस हवन को करने एवं भाग लेने के निम्नलिखित लाभ बताए हैं, जो इस प्रकार से हैं, जैसे कैंसर से मुक्ति, पेट में संकटों से मुक्ति, फेफड़े की बीमारी से मुक्ति, शादी की पूर्णता, मन की दुविधा से मुक्त होने के लिए, अवांछित भय दूर होने के लिए, परिवार में समृद्धि के लिए, वित्तीय संकट से मुक्ति। इस हवन में भाग लेने से इन सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, नकारात्मकता से कुल सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भैरव जी बुरे कर्मों को मिटाकर अच्छे कर्मों को प्रदान करते हैं। इस पूजा एवं हवन की कीमत 2500 तय किया गया।